इम्पोटेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दोस्तों जैसे कि हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इससे पहले मैंने तीन वीडियोस लॉन्च किए हैं तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें एक बार देखिए उसके बाद आपको एक ब्रीफली आइडिया लग जाएगा ठीक है तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था आपसे कि एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चनस जो हैं वो सॉल्व करेंगे जिससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए इसके अलावा मेरा एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कुछ और क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी अगर सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी समरजीत सिंह ठीक है तो ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं इसे बता देता हूँ आपको तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को ऐसे कोई विशेष समस्या आएगी नहीं ठीक है पहला क्वेश्चन है कि वेंडेड वास्कोटी गामा रीच कालीकट इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया यानी कि वास्कोडी गामा कालीकट कब आए भारत में ठीक है चार ऑप्शंस हैं 1489, 1498, 1398, 1589 अब इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका यह है कि आप अपने वीडियो को एक मिनट पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ठीक है आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा ठीक है अब मैं इसका क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ इसका आंसर है बच्चों बी फोर्टी नाइन्टी एट ठीक है सिंपल है यानी कि चौदह सौ अट्ठानवे में वास्कोडी गा कालीकट भारत आया सिंपल बहुत बेसिक है अगर थोड़ा भी आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा है ना इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे ट्रीटी ऑफ टॉर्डे सेलियस हुई थी सॉरी ठीक है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आ, मुझे लगता है थोड़ा ब्रीफली अगर आपको याद हो तो ट्रीटी ऑफ टॉडे सेलियस हुई थी और ट्रीटी ऑफ टॉर्डे सेलियस कब हुई थी इससे थोड़ा सा पहले हुई थी है ना टोड्रेसियस की संधि जो मैंने आपको बताई थी और उसके बाद फिर स्पेन और पुर्तगाल के बीच में हुआ था कि के जो केप ऑफ गुड होप है यानी एक सेकेंड में आपको दोबारा इरेज करके मैं वो बना के दिखाता हूँ अफ्रीका तो आपको पता लग जाएगा इस तरीके से कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे बच्चों केप ऑफ गुड होप है ये है केप ऑफ गुड होप ठीक है बोला गया था तो यहाँ पे आपके कहीं पोर्चुगीज और स्पेनिश कॉलोनीज़ हैं सॉरी कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पे एक वो करी मतलब ट्रीटी साइन करी तो उन्होंने ये ट्रीटी इस तरीके से साइन करी कि के इसके केप ऑफ गुड होप के वेस्ट में जितना भी कुछ होगा वो सारा कुछ रहेगा स्पेन के पास और जो भी ईस्ट में होगा वो किसके पास रहेगा पॉर्चुगीज यानी पुर्तगालियों के पास सिंपल ठीक है चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि पॉर्चुगीज़ ने गोवा को कौन से सन में कैप्चर किया ठीक है आपके ऑप्शन हैं फिफ्टीन सिक्सटी पंद्रह सौ दस तो वही काम वीडियो पॉज कीजिए आई होप आपने अटैम्प्ट किया होगा ठीक है अगर आपने अटैम्प्ट किया है तो इसका सही आंसर बता रहा हूँ इसका सही आंसर है 1510 में और किसके टाइम पे किया वो उस वक्त पोर्चुगीज़ गवर्नर कौन था पोर्चुगीज़ गवर्नर उस वक्त था अल्फोंजो डी अल्बकर की ठीक हाँ? है याद रखना गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बकरकी और कब किया फिफ्टीन हंड्रेड टेन में सिंपल और अल्फोंसो डी अल्बकरकी के बारे में मैंने आपको बताया था कि रियल कंसोलिडेटर भी माना जाता है एक तरीके से मतलब जिसने वास्तविक रूप से पुर्तगाली शासन की भारत के अंदर स्थापना करी थी बच्चों ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग अटैम्प्ट करते हैं विच पोर्चुगीज गवर्नर यानी किस पुर्तगाली गवर्नर ने अरब और इजिप्शियंस को दमन एंड ड्यू आइलैंड ऑफ इंडिया में हराया था बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा शायद आपको टेढ़ा लग सकता है बट ईजी है थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको एफ डी एलमिडा क्लाइव हेस्टिंग्स या सब एडम फ्रांसिसको रिल वही है एक बार वीडियो पॉज कीजिए कोशिश कीजिए आई होप पॉज किया होगा खुद से अटैम्प्ट किया होगा देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या है रॉबर्ट क्लाइव तो आपको अच्छे से पता है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव का तो कोई मतलब है नहीं है ना वॉरन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में भी आपको अच्छे से पता लगा है कि भाई ये दोनों तो ब्रिटिश थे अब या तो फ्रांसिस डी एल्मेडा है या सर एडम फ्रांसिसको है और अगर आपने मेरे लेक्चर्स लगाए हैं या अगर, अगर आपने बुक भी पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि फ्रांसिस डी एलमेडा जो है वो हमने पढ़ा है ठीक है तो इसका आंसर ऑब्वियसली फ्रांसिस डी एलमेडा है और ये एडम फ्रांसिसको तो वैसे कोई रैंडम नाम उन्होंने आपको दे दिया ठीक है चलिए आगे चलते हैं अच्छा ये दो क्वेश्चन है भैया आपकी स्क्रीन पर द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया यानी पहले पोर्चुगीज गवर्नर भारत में कौन थे बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव मुनरोफ डी एलमेडा या मिंटो वही काम करना है वीडियो पॉज कीजिए ठीक है पॉज किया होगा आई होप मैं अब इसका सही आंसर बता देता हूँ इसका आंसर आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए फ्रांसिस डी एलमेडा जिनका पिछली स्लाइड में यह अपन लोगों ने अभी पढ़ा ठीक है तो वही आंसर है अच्छा इसके अलावा <coughs> ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द पॉर्चुगीज़ इन इंडिया फॉर द ट्रेड यानी कि हेड क्वार्टर ऑफ पॉर्चुगीज भारत में ट्रेड करने के लिए कहाँ था बच्चों मुंबई दिल्ली गोवा या दमन एंड दीव वही काम वीडियो पॉज कीजिए ठीक है आई होप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा इसका सही आंसर है गोवा ठीक है जैसे कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि गोवा जो है वो पुर्तगालियों की बहुत फेमस आ, क्या बोलते हैं एक तरीके का सेटलमेंट रहा है इंडिया में और बहुत बाद में 1961 में जाके कहीं गोवा भारत से सॉरी पुर्तगालियों को शासन से लिबरेट हुआ ओके सिंपल तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अब थोड़ा ध्यान में रखने हैं है, है ना और अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है इसका उद्देश्य सिर्फ आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्टअप तो करना है ही है और उससे थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो ही जाएगी मतलब थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी अच्छा इसके अलावा ये क्वेश्चन है आप ये अटैम्प्ट कीजिए स्क्रीन पर कि सेंट जॉर्ज फोर्ट बिल्ट इन विच सिटी ऑफ द इंडिया सिक्सटीन में सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है ये कहाँ पर बनाया हुगली पटना गोवा या मद्रास में ठीक है एक बार खुद से मतलब जॉर्ज फोर्ड जो है वो ब्रिटिशर्स ने कहाँ बनाया देखो ये तो मैंने बता दिया कि ब्रिटिश ने बनाया पर ब्रिटिश ने बनाया कहाँ ये आप बताओ थोड़ा टाइम लीजिए काम वही करना है आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से अटेम्प्ट करना है आई होप वीडियो पॉज किया होगा ठीक है ना बच्चों इसका आंसर है सिंपल मद्रास ठीक है 1641 में कहां पे बना मद्रास में बना याद रहेगा याद रखना पड़ेगा ठीक है इसके अलावा बच्चों सेंट आ, सेंट एक और था फोर्ट सेंट विलियम्स करके ऑल राइट right. वो सेंट विलियम फोर्ट ब्रिटिशर्स ने कहां पे बनाया सेंट विलियम फोर्ट जो था वो ब्रिटिशर्स ने बनाया अब ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे <laughs> एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन करके कमेंट करके बताओगे ओके ऑल राइट right. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सुल्तान गिव द परमिशन ऑफ द इंग्लिश टू बिल्ड फैक्ट्री अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा क्योंकि मैंने बताया था इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है बीजापुर के सुल्तान ने गोलकोंडा के सुल्तान ने भागलपुर के सुल्तान ने या बाजीराव सुल्तान ने अब ड्रिल वही है एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए पॉज करने के बाद आप कोशिश कीजिए खुद से फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे ठीक है आई होप आपने इसे पॉज किया होगा ठीक है ना और इसे खुद से कोशिश की होगी करने की देखिए बच्चों भागलपुर के सुल्तान देखते ही पता लग गया कि भाई भागलपुर तो बिहार में और वहाँ का क्या है मतलब बाजीराव सुल्तान ये भी बिल्कुल चला गया अब या तो बीजापुर के सुल्तान थे या गोलकोंडा के सुल्तान थे ठीक है ना इन दोनों में से कोई एक होगा अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अगर आप नैरो डाउन करके यानी कि फिफ्टी परसेंट अगर ऑप्शन को एलिमिनेट कर भी पाते हैं बच्चों तो अब बेटर होगा कि आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर कीजिए है ना उससे ये होता है कि आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस यही रहता है कि फिफ्टी परसेंट आप जो क्वेश्चन को सही कर ही देंगे इसका सही आंसर है गोलकोंडा के सुल्तान ठीक है उन्होंने दे दिया था इन्हें परमिशन दे दी थी फिर वो लेटर ऑन फिर फरुख सियार के टाइम पे आपको याद हो तो मेगना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मिलेगा वो एक अलग हुआ अच्छा ये दो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े टेढ़े हैं ओके तो मैंने इन्हें इंटरव्यू यहाँ पर आपके लिए डाला है वो थोड़े वो सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे थोड़े क्वेश्चन थोड़े, थोड़े अलग अलग हैं ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज़ गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज़म इनमें से कौन सा पोर्चुगीज़ गवर्नर है जिसने भारत में पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज़म की शुरुआत करी थी ओके okay. आपके पास ऑप्शन हैं फ्रेंसिस डी अलमेडा जॉन मिडेन हॉल गैरल्ड एंगियर और अल्फोंसो डी अल्वकर की थोड़ा भाई ड्रेल वीडियो पॉज कीजिए क्वेश्चन को से अटैम्प्ट कीजिए आई होप वीडियो पॉज किया होगा कुछ से अटेम्प्ट किया होगा बच्चों इसका आंसर है अब देखिए एंगियर गेर, कोई मतलब नहीं ये तो कुछ अलग ही कुछ बोल रहा है ना हमने कोई पढ़ा नहीं है और ऐसा कुछ है भी नहीं जॉन मिडन हॉल सेम हमने पढ़ा नहीं है वी आर नॉट श्योर या तो अल्फांसड डी अल्बकरकी है या फ्रांसिसो डी एल्मेडा है अल्फांसड डी अल्बकरकी के बारे में बचो ईद इज़ द रियल कंसोलिडेटर मतलब एक तरीके से इसी ने पुर्तगाली शासन को जमाया था पूरे तरीके से और फ्रांसिस डी एल्मेडा जो था फ्रांसिस डी एलमेडा बच्चों जो वॉर लड़ा और एक तरीके से यहाँ पे स्थापना करी थी पॉचुगेज़ रूल की वो अल्मेडा था तो या तो अल्फानस डी अल्बकरकी होगा और फ्रांसिस डी एलमेडा इसका आंसर है अल्फानस डी अल्बकरकी ओके okay. ये लास्ट है ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं किया था अपनी वीडियोस में ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है इससे मैं थोड़ा डिस्कस भी कर दूंगा तो आपको इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी कि हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन फोर्स है एज एस ऐसी कौन सी यूरोपियन शक्ति थी जिसने अपना सब कुछ ब्रिटिश सेटलमेंट को बेच दिया था बच्चों डच थे पोर्चुगीज थे डेनिश थे फ्रेंच थे कौन थे डच अलग हैं बच्चों डच हॉलैंड यानी नीदरलैंड्स के हैं पोर्चुगीज तो पता ही है डेनिश ये अलग है बच्चों डेनमार्क ठीक है ना डेनिश से मतलब है डेनमार्क नॉर्वे वाला जो रीजन है फ्रेंच तो आप जानते हैं तो वही काम कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए एक बार आई होप वीडियो पॉज की होगी आपने देखो तो बच्चों इसका आंसर है सिंपल डेनिश ठीक है डेनमार्क या नॉर्वे के ये 1616 में इंडिया आए थे बच्चों इनके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आई थिंक ये याद करनी चाहिए 1616 में इंडिया आए थे ये और इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था सिरमपुर करके और अगर कभी आप भारत में एजुकेशन की शुरुआत देखोगे स्पेशली वेस्टर्न एजुकेशन की तो उस वेस्टर्न एजुकेशन में आप इस सिरमपुर को कई बार पाओगे ठीक है वो तो आपको कई बार मिलेगा मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ सिरमपुर ट्रायो यानी कि तीन लोगों का एक ग्रुप था जो वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए काफ़ी फेमस था 1799 में था ये ये जो मैं आपको बता रहा हूँ और बच्चों इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी लेटर ऑन तो इसकी वजह से आ, ये जो डेनिश लोग थे इनको अपनी सारी जो भी सेटलमेंट्स थे यानी कि इंडिया के अंदर जो भी इन्होंने बसा रखे थे वो सारे ब्रिटिश को बेचने पड़े और ब्रिटिश को बेचने के बाद इन्हें यहाँ से जाना पड़ा ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ब्रीफ कुछ क्वेश्चंस थे आप कमेंट सेक्शन में मेरे को अपना स्कोर बताओगे कि आउट ऑफ एक कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं ठीक है दिल छोटा करने की बात नहीं है अगर क्वेश्चंस कम भी ठीक होते हैं स्टिल इट्स ओके इनको आप एज आ अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और भी आप मतलब इन क्वेश्चंस के अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी अटैम्प्ट कीजिए और अगर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हैं तो उसको भी आप अच्छे से सॉल्व करते रहिए ठीक है तो थैंक यू वेरी मच अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो के लिए लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए अगर और कोई हैं तो कमेंट कीजिए ऑल राइट right. सो so, जय हिंद जय भारत